4 करोड़ रुपया जो बताया जा रहा है, पहले तो ये 4 करोड़ रुपये नोएडा अथॉरिटी को क्यों दिया जाए? जैसे उन्होंने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी जैसे विश्वविद्यालयों को जमीन दोज कर दिया, तमाम बड़े बड़े बुद्धविहारों को इन्होंने जीरो कर दिया, आज उनकी वही प्रचार है कि आज इसको भी वो जीरो करें। के नाम पर जापान से भी ये पैसा मांग के लाते हैं, कोरिया, थाईलैंड से लाते हैं, विदेशों से पैसा मांग करके लेके आते हैं, बुद्ध और उसकी विरासत के नाम पर ये कमा खा रहे हैं, देश के लिए कर्जा लेकर के आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग ऐसी जगह झंडा लेकर के नहीं जाते, ऐसी जगह पार्टी का झंडा लेकर के नहीं जाते। पार्टी का झंडा यदि लेकर के आते, हो अल्लाह मचाते आते, तो तब सबको लगता कि हाँ बीएसपी के लोग आए हैं। एडवोकेट सूरज पाल राक्षस जी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और बीएसपी में सचिव के पद पे भी हैं यहीं पर ही। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई सारे लोगों की ये बातें आ रही हैं कि नोएडा में, यानी गौतम बुद्ध नगर में, बहन कुमारी मायावती जी के शासन में ये बुद्ध विहार जो है, 11 सेक्टर का बुद्ध विहार जो है, ये बना था और यहीं पर ही बीएसपी के पदाधिकारी और बीएसपी के जो लोग हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ऐसा कहना गलत बात है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी इस बुद्ध विहार में तब भी आते थे जब ये समस्या नहीं थी, और जब से समस्या बनी है उसके बाद भी लगातार बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की नज़र में ये बात है और यहाँ बराबर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष दीपक बौद्ध जी अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ आ चुके हैं। हमारे नोएडा विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय भाई चमन सिंह गौतम जी, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं भी यहाँ पे हूँ, भाई किशन भारती जी, नरेश गौतम जी, मैं जिला सचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी में जी। और नरेश गौतम जी जो मंडल जोन कोऑर्डिनेटर हैं, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, जो भी सहयोग, आर्थिक सहयोग भी किया है हमारी टीम के लोगों ने और कर भी रहे हैं। भाई हमारे राजेंद्र चौड़ा जी, वो पार्टी में हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी वो मदद कर रहे हैं। आज का भोजन दान उन्हीं के सौजन्य से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के लोग ऐसी जगह झंडा लेकर के नहीं जाते, ऐसी जगह पार्टी का झंडा लेकर के नहीं जाते। पार्टी का झंडा यदि लेकर के आते, हो अल्लाह मचाते आते, तो तब सबको लगता कि हाँ बीएसपी के लोग आए हैं। बीएसपी के लोग काम करने में यकीन करते हैं और बुद्ध विहार बहन जी के शासनकाल में बना, न केवल ये बुद्ध विहार बना बल्कि ये जिला जिसका नाम गौतम बुद्ध नगर है, ये भी बहन जी के शासनकाल में बना। तो गौतम बुद्ध के मामले में तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कोई ये बता नहीं सकता, कह नहीं सकता कि वो हमारा क्या स्टैंड है। न केवल गौतम बुद्ध नगर बना बल्कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल बने, सावित्रीबाई फुले विद्यालय बना, गौतम बुद्ध विद्यालय बना, पंसील बालकेंद्र कॉलेज बना, भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं पर आधारित तमाम स्थल यहाँ विकसित किए गए। डॉक्टर अम्बेडकर जो स्मारक है वो यहाँ बनाया गया, दलित, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल यहाँ बनाया गया। तो बहन जी ने अपने शासनकाल में बुद्ध की संस्कृति को जीवंत करने का काम इस ज़िले में किया और ये बुद्ध विहार उसी समय में फला फूला और बड़ा हुआ जी। आज बहन जी 12 साल से सत्ता में नहीं है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहन जी के निर्देशों के अनुसार सेक्टर कमेटियों को मजबूत कर रहे हैं। हमने अभी विधानसभा कमेटियां मजबूत की हैं, अभी सेक्टर कमेटियों का काम चला हुआ है। तो आज संडे का दिन है, मेरी 6 मीटिंग लगी हुई हैं, मेरी 2 मीटिंग कंप्लीट हुई हैं, बीच की मैंने 2 मीटिंगें छोड़ दी हैं क्योंकि मुझे इधर आना था, अब शाम की 2 मीटिंगें मैं करूँगा। तो पार्टी के कार्यकर्ता बहन जी के द्वारा दिए गए काम में भी व्यस्त हैं, बावजूद इसके भी बराबर यहाँ आना जाना लगा हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर जैसे प्रशासन ने यहाँ पर एक नोटिस लगा दिया है, 6 तारीख का 6/6 को नोटिस लगाया गया था कि ये बुद्ध विहार सील होगा, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, क्या लीगली तौर पे भी ये बुद्ध विहार पे सील हो सकता है? और अगर होता भी है तो बीएसपी के पदाधिकारियों का या बीएसपी के लोगों का या बहन जी की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि जो कानून के खिलाफ जाए। जहाँ तक सवाल है नोटिस का और उस पर कानूनी कार्रवाई का, तो जो नोटिस अथॉरिटी ने दिया है उसको चैलेंज करने के लिए एक प्रक्रिया है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह की रेमेडी अवेलेबल है। उसके बाद ही कोई भी जो बड़ा एक्शन अथॉरिटी ले सकती है।
तो रास्ता खुला हुआ है और जो हमारा बुद्ध विहार प्रबंधन है वो हाई कोर्ट में चला गया है स्टे के लिए, ऑर्डर को स्टे करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि ये ऑर्डर स्टे हो जाएगा और किसी भी जो ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं आएगी। अगर बीएसपी से कहा जाए कि बीएसपी जो जिसका 4.25 करोड़ या 3.5 करोड़ रुपए जो उन्होंने ब्याज लगा करके दिया है 11 लाख का, अगर बीएसपी के लोग या बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से भी कोई आर्थिक इन लोगों को सहयोग हो सकता है क्या? देखिए ये जो 4 करोड़ रुपया जो बताया जा रहा है, पहले तो ये 4 करोड़ रुपये नोएडा अथॉरिटी को क्यों दिया जाए? ये पैसा इन्होंने जो लीज रेंट उसका पैसा है, इसमें पेनल्टियाँ जो लगाई गई हैं लेट पेनल्टियाँ हैं उनका है और ब्याज का है, जबकि जो मूल पैसा है वो कमेटी जमा कर चुकी है। जितने दामों पे ये अलॉट हुआ, अलॉटमेंट की धनराशि को जमा करा दिया गया है जी। लेकिन वो धनराशि काफ़ी लेट से जमा हुई, जब वो लेट से जमा हुई तो उसमें लेट पेनल्टी आई, उस पर इंटरेस्ट लगा और तब इस तरह का पैसा बना है। भारत की सरकार और स्टेट गवर्नमेंटें तमाम तरह के उद्योगपतियों के पैसे को माफ़ करती हैं और यहाँ भी सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तो ब्याज का पैसा है, मूल पैसा भी नहीं है। तो हमारा सबका प्रयास ये होना चाहिए कि नोएडा अथॉरिटी और सरकार ये देखे कि गौतम बुद्ध नगर में एक बुद्ध विहार है और हम बुद्ध के नाम पर जापान से भी ये पैसा मांग के लाते हैं, कोरिया थाईलैंड से लाते हैं, विदेशों से पैसा मांग करके लेके आते हैं। बुद्ध और उसकी विरासत के नाम पर ये कमा खा रहे हैं, देश के लिए कर्जा लेकर के आते हैं और यहाँ थाईलैंड से आई हुई बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। तो क्या इस बुद्ध विहार को जो गवर्नमेंट है क्या इसको बिल्कुल इसको तोड़ेगी, क्या करेगी? ये सरकार को देखना है कि क्या वो बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगी। वो तो खिलवाड़ करने के लिए पूरा नोटिस आपको दिया तो है, वो तो चाह रही है आपको तोड़ना बोड़ना और यहाँ से बाहर भगाना। ये तमाम तरह की शरारतें चलती रहेंगी, ये आज का नहीं है, हम तो सदियों से भुगतते चले आ रहे हैं। इनको जो समस्या है हमारी कल्चर से है, क्योंकि बुद्ध की कल्चर, बुद्ध तर्क की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तर्क और जब तर्क की बात आती है तो वहाँ आस्था पर इनको चोट नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पाखंड नहीं है। अज्ञानता और पाखंड के खिलाफ बुद्ध ने आंदोलन चलाया, लोगों को विजिलेंट बनाया और वही काम बुद्धिस्ट लोग आज भी कर रहे हैं। तो जिनको इससे दिक्कत होती है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि जैसे उन्होंने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी जैसे विश्वविद्यालयों को जमींदोज कर दिया, तमाम बड़े बड़े बुद्ध विहारों को इन्होंने जीरो कर दिया, आज उनकी वही वही प्रचार है कि आज इसको भी वो जीरो करें।